मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल देर रात सचिवालय स्थित आपदा कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण कर प्रदेश भर में बारिश की स्थिति का जायजा लिया। साथ ही अन्य जिलों के जिलाधिकारियों से भी बारिश से हुए नुकसान के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि यदि रास्ते में वाहन और लोग फंसे हुए हैं तो उन्हें जल्द से जल्द निकाला जाए और उनके रहने खाने की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। जिला स्तर पर कोई भी दिक्कत होने पर तुरंत शासन को सूचित किया जाए। आपदा प्रबंधन जो विभाग है हमारा, यहाँ से ये कंट्रोल रूम से सभी जगह की स्थितियों पर ठीक से नज़र रखी जा रही है और कहीं जल स्तर बढ़ रहा है तो वहाँ की भी, और जहाँ सामान्य स्थिति वहाँ पर भी, कहीं सड़कें बंद हो रही हैं उस पर पूरी नज़र है। जहाँ पर जैसी आवश्यकता होती है उस हिसाब से लोग समन्वय भी यहाँ से कर रहे हैं और सभी जिलों से ठीक प्रकार से समन्वय करने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि कई जगह पर भूस्खलन भी हो रहा है, कहीं सड़कें बंद हैं तो वहां पर जीसी की इत्यादि से जो है उसको खोलने की भी कार्रवाई हो रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बारिश की स्थिति की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने जान माल की क्षति, सड़कों की स्थिति सहित चारधाम यात्रा, किसान और फसलों की स्थिति तथा कांवड़ यात्रा के संचालन के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी को भारी बारिश से विभिन्न स्थानों पर हुए जनधन की हानि और बाधित सड़कों के साथ ही चारधाम यात्रा और कांवड़ यात्रा के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार से पूरा का आश्वासन दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज यहाँ पर मौसम की जानकारी ली है, साथ ही जो अतिवृष्टि हो रही है मानसून के सीजन में, अत्यधिक बरसात हो रही है, उसके संबंध में चारधाम यात्रा है, कांवड़ यात्रा है और किसानों की फसल के बारे में सभी जानकारियां ली है। सड़कों की स्थिति, यातायात और कांवड़ में जो हरिद्वार में काफी जगह पर जलभराव हुआ था, उन सभी के बारे में जानकारी ली है और उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता अगर केंद्र के स्तर से चाहिए तो यहाँ पर होगी।